हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल आईटी स्किल्स। टुडे इज आवर टॉपिक इज ऑन टेली। तो टेली करने के लिए हम लोग को पहले टॉपिक जानना पड़ेगा बेसिक ऑफ अकाउंट्स। तो जो बेसिक ऑफ अकाउंट्स है उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंट्स के लिए। पहला जो टॉपिक है कि अकाउंट्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से, या फिर इसका मीनिंग क्या है, इसको लेके हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसका डेफिनेशन मैं पहले बता देता हूँ। Accounting is a process of identifying, recording and summarizing of economic transaction in the form of financial statement. मतलब Accounting is an art of recording, summarizing of business transactions in a significant way in the form of financial statements, in the form of financial statements. Accounting क्या है? एक आर्ट है। मतलब ये अकाउंटिंग सीखने के बाद हम लोग के पास एक स्किल चला आएगा। मतलब आर्ट मतलब एक स्किल है ऑफ रिकॉर्डिंग। तो पहले कोई भी ट्रांजेक्शन मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको हम समराइज करेंगे डिफरेंट अकाउंट में, जो जो अकाउंट में जाएगा उस पर हम समराइज करेंगे। किसका समराइज करेंगे? ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिसका रिलेटेड हम लोग का बिजनेस है। घर घर के लिए हम कुछ खरीदे तो उसका कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग अपना बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब जो ट्रांजेक्शन हम लोग का बिजनेस के साथ रिलेटेड है उसी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा इन ए सिग्निफिकेंट वे। मतलब अच्छी तरह से जो जो अकाउंट हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है उसी अकाउंट में सिग्निफिकेंट वे में वो मेंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कुछ भी हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका ओनली टारगेट है फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इन तीनों जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को एक साथ में क्या बोला जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं पे भी तुम्हें पूछा गया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तो बोल देना फिनेंशियल स्टेटमेंट इज ए कंसिस्ट ऑफ थ्री अकाउंट, दीज आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इस तीनों अकाउंट को हम लोग को अल्टीमेटली निकालना पड़ता है। ये अभी ये तीनों अकाउंट क्यों चाहिए? पकड़ लो तुम्हारा एक बिजनेस है तो बिजनेस के लिए तुम्हें लोन चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो लोन लेने हम कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे या फिर किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी प्राइवेट कंपनी, किसी फाइनेंस कंपनी में जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद जब तुम अपना बिजनेस का डिटेल्स सबमिट करोगे तो वो पूछेंगे कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड बैलेंस शीट है, वो आप सबमिट कीजिए आपका बिजनेस का। तो इस सब अकाउंट को हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग को प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो हम ये सब मेंटेन नहीं कर नहीं पाएंगे। अभी ये जो टॉपिक पर आ रहे ये क्या है, एक्चुअली एचएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का कॉमर्स के लिए ये सब सारा टॉपिक चाहिए। तो अकाउंटिंग टेली में अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग को ये सारा टॉपिक जो भी है एचएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जो सारा कुछ पढ़ाया जाता है कॉमर्स का, सब हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उनका थोड़ा सिस्टमेटिक है, हम लोग का थोड़ा शॉर्टकट में होगा। वो हम लोग को जितना हम लोग को टेली के लिए चाहिए वही हम लोग लेंगे, बाकी हम लोग को नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब ये एक अकाउंटिंग अगर तुम सीख जाओगे तुम्हारा अंदर एक स्किल आ जाएगा। किसका स्किल आ जाएगा? जो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर पाओगे, समराइज कर पाओगे एंड इन ए सिग्निफिकेंट वे एंड इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद तुम फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बना पाओगे। एज लाइक सेम टेली में क्या होगा, जब तुम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे
फिर उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसका कौन सा वाउचर में जाएगा, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का जो बिजनेस है उसका अभी फिलहाल इसका पोजिशन क्या है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, इसको लेके ये तीनों अकाउंट देखने के बाद कोई भी अकाउंटेंट ये बोल पाएगा। ठीक है, ओके, अभी हम आगे चलते हैं। और एक चीज, ये जो अकाउंटिंग है ना, या फिर कोई भी पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो, हर एक चीज का एवरी कुछ भी चीज को समझने के लिए हम लोग को एक लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बंगाली होने से बंगाली में बात करते हैं, मणिपुरी होने से मणिपुरी में बात करते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज हो उसको आपका मदर टंग अलग होता है। सेम अकाउंटिंग को भी समझने के लिए, सॉरी बिजनेस को भी समझने के लिए आपको एक लैंग्वेज जानना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज को बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है या फिर बिजनेस के ऊपर काम करना है तो आप लोग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो मैंने समझा दिया, अभी हम आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी आ गया ऑब्जेक्टिव्स। कुछ भी चीज करने के लिए हम लोग के पास एक टारगेट, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, नहीं तो हम काम को कैसे आगे ले जाए। ठीक है, सेम एज लाइक अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मीन्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगा, ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन्स मतलब डे बाय डे हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसे ट्रांजेक्शन बोला जाता है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस के लिए जो भी डे बाय डे हम काम करते हैं उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन में तुम्हें बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या क्या किया, जैसे कुछ माल खरीद, गुड्स खरीद के लाए, फिर इसको सेल किया, या फिर किसी से पैसा लेके आए, या फिर किसी को पैसा दिया, वो सारा चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रांजेक्शन्स। और बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं ट्रांजेक्शन के लिए समझा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी का बैंक अकाउंट होता है, और बैंक अकाउंट का पासबुक होता है। ठीक है ना, तो हम बैंक में जाके क्या करते हैं, वो पासबुक को 2-3 महीना बाद उसको अपडेट कराते हैं। क्यों अपडेट कराते हैं, कि कितना भी पहले हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया फिर उसको हम देख पाए। ठीक है ना, उसे क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, हम जाके पासबुक लेके जाके, या फिर जो जिनका SBI में, अभी तो पासबुक का अलग से ATM का जैसे मशीन है, उसका मशीन भी निकल गया है, सिर्फ हम लोग जाके पासबुक इंसर्ट करते हैं, फिर वो बारकोड रीड करके वहां से वो ट्रांजेक्शन प्रिंट करके दे देता है। तो वो तो आपका बेसिक अकाउंट का, आपका खुद का अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब उस ट्रांजेक्शन के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप रिलेट करिए तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वो ट्रांजेक्शन मतलब आपने कब ATM से पैसा उठाया, या फिर कुछ इंटरेस्ट आया क्या, या फिर आपने कब विड्रॉ किया, फिर डिपॉजिट किया, इन सारे का हिसाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी आपने डे बाय डे बिजनेस के लिए क्या क्या खर्चा किया है, क्या इनकम किया है, क्या खरीदा है, क्या आपने इन्वेस्ट किया, सारा यहाँ पे मिल जाएगा। उस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। और हम लोग को अकाउंटिंग करने के लिए पहला जो चीज़ है वो हमको ट्रांजेक्शन्स को लेके आगे जाना पड़ेगा, मतलब उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एंट्री करते जाएंगे डिफरेंट अकाउंट में, जिसको वो ट्रांजेक्शन एंट्री होने के बाद हम लोग के पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का लेवल तक हम पहुँच पाएंगे। तो पहला जो काम है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव है, ये अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगर हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आगे जाके हम लोग को कोई भी अकाउंट बनाने जाए तो उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्लियर। उसका बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है
टू एसर्टेन एसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। ये देखो, ये तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है, टू एसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसको लेके हम समझते हैं, हम लोग बिजनेस करते क्यों है? प्रॉफिट के लिए। मतलब प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो बिजनेस का क्या जरूरत, ठीक है ना? प्रॉफिट के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कोई भी चीज खरीदे या फिर सेल करे, जैसे कि पकड़ लो तुमने कुछ चीज परचेस किया, 10,000 का माल खरीद के लाए, तुमने इनको 9,000 में सेल कर दिया, हुआ नहीं हुआ? दिस इज नॉट ए बिजनेस। बिजनेस के लिए मतलब तुम एक पैसा का भी प्रॉफिट कमाओ, 25 पैसा का भी प्रॉफिट कमाओ, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा अकाउंटिंग हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा अकाउंटिंग के थ्रू, जिसके थ्रू हम लोग को प्रॉफिट इनकम हो। क्लियर? देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का, वो है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। फिनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस का फिनेंशियल पोजिशन निकालना पड़ेगा। फिनेंशियल पोजिशन क्या होता है, अभी इसको हम दो पार्ट करते हैं, फिनेंशियल एंड पोजिशन। पोजिशन मतलब आपका खुद का पोजिशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, अभी आपका लेवल क्या है, वो आपका डिपेंड करता है आपका पोजिशंस, ठीक है? और फिनेंशियल मतलब रिलेटेड टू और इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आपका बिजनेस का मनी का पोजिशन, आपका बिजनेस का ओर्थ कितना है, अभी मार्केट पे आपका बिजनेस का वैल्यू कितना है, वो डिपेंड करता, वो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग जानना पड़ेगा। अगर हम लोग अकाउंटिंग जान लेंगे तो हम लोग का बिजनेस का फिनेंशियल पोजिशन हम बता पाएंगे। फिनेंशियल पोजिशन अगर आपका ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर आपका फिनेंशियल पोजिशन तभी अच्छा होगा तब जब आपका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिनेंशियल पोजिशन डे बाई डे खराब होता जाएगा, ठीक है? कोई भी बिजनेस में आप किसी भी आपका पकड़ लीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसपे आप लॉस सफर कर रहे हैं, तो उसका क्या है, उसका फिनेंशियल पोजिशन अच्छा नहीं है। फिनेंशियल पोजिशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको बहुत सारा तकलीफें उठाना पड़ेगा, जैसे कि आपको बैंक आपको लोन नहीं देगा, ठीक है ना? या फिर कहीं भी जगह पे आप किसी पर्सन से भी लोन लेने जाए तो वो नहीं देगा, क्योंकि आपका फिनेंशियल पोजिशन अच्छा नहीं है बिजनेस का। अगर आपका फिनेंशियल पोजिशन अच्छा होगा तो कोई भी पर्सन आपका ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अगर फिनेंशियल पोजिशन अच्छा नहीं है, आपको ऊपर इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा उसको, ठीक है ना? क्योंकि वो भी तो फायदा क्यों कर रहा है बिजनेस के लिए, उसको वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बिजनेस कर लिया। बैंक जो हमको लोन देता है वो क्या है, हम लोग से इंटरेस्ट लेता है, दैट मीन्स क्या, उसका उससे बैंक का फायदा हो रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। और हम मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी बिजनेस करने जाओ उसके लिए तुम्हें प्रॉफिट, बिजनेस करना है तो प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा, सिंपल मत, नहीं तो उसको बिजनेस नहीं बोलेगा। देन आवर नेक्स्ट पर्सन टू असिस्ट इन डिसीशन मेकिंग, टू असिस्ट इन डिसीशन मेकिंग मतलब अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ मेंटेन किया है तब आपके पास क्या होगा, आपको डिसीशन ले सकते हैं। मतलब आप डिसीशन क्या ले सकते हैं, डिसीशन ले सकते हैं कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना? उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अपना बिजनेस को और भी आगे लेके जाऊंगा, उसको लेके आप डिसीशन ले पाओगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन ही नहीं करते तो आप कैसे समझ पाओगे कि आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग को डिसीशन मेकिंग में भी, बिजनेस का डिसीशन मेकिंग में भी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग। दो दिस इज ऑल्सो एन टारगेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव पे डाला हुआ है कि
वो ऐसे तरीके से तुम्हारे अकाउंट को मेंटेन करेगा जिसको लेके तुम बिजनेस का डिसीजन ले पाओगे कि कितना आगे हम ले जाए इसको। क्लियर? ठीक है, तो ये सारा वो होने से हो जाएगा। अभी हम लोग का पास अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस से पहले हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। अभी हम अकाउंटिंग सिस्टम में चले जाते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। उस कैलकुलेशन में हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग के पास डिफरेंट मेथड होता है, तो उसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम मेथड भी बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दूसरे के बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। एक को बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स ये दो मेथड है जिसको लेके हम पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है उसको लेके हम बात करेंगे। अभी पहले हम सिंगल एंट्री का बात करते हैं। सिंगल एंट्री जो मेथड है वो क्या है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। मतलब सिंगल एंट्री अगर आप फॉलो करते हैं तो उस पर आपका कंप्लीट अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। सिंगल एंट्री आप फॉलो कर सकता है, जैसे कि कोई ग्रोसरी शॉप है वो फॉलो कर सकता है। मैं अभी एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई दुकान में गए, आपका मतलब आपका सोसाइटी में कोई दुकान है या फिर आपका गली में कोई दुकान है, ठीक है, वहाँ से जाके आप रेगुलर परचेस करते हैं, गुड्स खरीद के लेके आते हैं। तो अगर आप कैश में जाके खरीद लेते हैं, मतलब कुछ खरीद लिया, जैसे कि आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट लिया आपने, लेने के बाद पैसा दे दिया, वो क्या करते हैं, पैसा कैश बॉक्स में डाल देते हैं और आपको गुड्स दे के ख़त्म। इतना तक ही आपका रिलेशन, ठीक है। लेकिन फिर और एक टर्म में, जब आप पकड़ लीजिए आपका, आप वहाँ से क्रेडिट मतलब बाकी में लेके आते हैं माल, ठीक है ना, मतलब आप उसको महीने का लास्ट में पैसा देते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका नाम का अगेंस्ट पे, जैसे आपका नाम राजू है, आपका नाम लिखेगा और आपको 10 रुपये मतलब जितना का पेस्ट है वो आपको लिख के रख देगा, सिंपल, और कुछ नहीं लिखेगा। जब आप पैसा देंगे ऐसा करके काट देगा। तो ये जो मेथड है ये सिंगल एंट्री मेथड है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसका डिसएडवांटेजेस मैं बोल देता हूँ। इस रिकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि उस दुकानदार को जाके आप अगर पूछो कि सर आपका पास अभी टूथपेस्ट का मतलब स्टॉक कितना है, वो आपको क्या बता पाएगा, लमसम ही बता पाएगा, क्योंकि कैश में जो एंट्री हो रहा है या फिर उस जो भी एंट्री हो रहा है वो सिर्फ पैसा का हिसाब रख रहा है। कोई भी माल जा रहा है, क्या जा रहा है, मतलब पैसा जो जो क्रेडिट में सेल हो रहा है सिर्फ वो उसका ही लिख रहा है, जो कैश में सेल हो रहा है वो नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में जाके जब अकाउंट मिलाएगा उसको कैश कितना मिला है वो उसको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है। या फिर उसको जाके अगर पूछो कि आपका दुकान में अभी एग्जैक्ट स्टॉक कितना है, वो लामसम बता पाएगा आपको या फिर देख के बता पाएगा, ठीक है। सेम एज लाइक दैट, अगर कोई भी पर्सन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है उसका पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। सिंगल मतलब एक बार, इसलिए वो एक बार ही एंट्री करता है जब आप क्रेडिट लेके जाते हो, ठीक है, और डबल मतलब दो बार। तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आप कैश लेके जाओगे तब भी एंट्री होगा, मतलब कैश से खरीद के लेके जाओगे तब भी एंट्री करेगा, अगर आप क्रेडिट में लेके जाओगे तब भी एंट्री करेगा, डबल एंट्री सिस्टम। तो उस एंट्री में क्या होता है, आपको पूरा एग्जैक्ट सब कुछ एग्जैक्ट अकाउंटिंग मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक और एक बोल देता हूँ एग्जाम्पल। आप क्या होता है, सभी का बैंक में अकाउंट होता है, तो अब जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तब क्या एंट्री क्या SMS आता है फ़ोन में, ठीक है, क्योंकि बैंक पता है हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, जिनका बिजनेस बड़ा है, सिर्फ ग्रोसरी शॉप ये सब को छोड़ के, वो सब क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक ही ट्रांजेक्शन का दो बार एंट्री होता है, ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन का दो बार एंट्री करेगा उससे डबल एंट्री बोला जाता है। उसको कैसे करेंगे, इसको लेके हम आगे मैथ्स करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसका पहले मैं अभी थ्योरेटिकली समझा देता हूँ।
जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला था कि बैंक में जब आप जाके पैसा रख के आते हैं ना, तो क्या करता है बैंक, आपको अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या SMS दे देता है कि योर बैंक अकाउंट इज अकाउंट नंबर इज इतना, उस पर पकड़ लो आपने 10,000 डिपॉजिट किया, वो 10,000 डिपॉजिट क्रेडिट रेट लेके SMS आ जाएगा। ठीक है, मतलब बैंक आपका अकाउंट में आपको पैसा क्रेडिट करके दे रहा है। ठीक है, तो बैंक में अगर पैसा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो बैंक में जो पैसा आया वो किसने डिपॉजिट किया, आपने। मतलब क्या हो रहा है, दोनों साइड हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपने पकड़ लो आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, आपका हाथ से 10,000 रुपये घट गया है, मतलब अभी आपके पास पहले 10,000 रुपये था, जब डिपॉजिट कर लिया वो बैंक में चला गया, लेकिन आपका अकाउंट में गया है वो, ठीक है, लेकिन कहाँ चला गया, अभी कैश में है क्या, नहीं है, आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास से कैश घट रहा है और कहाँ जाके ऐड हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम है, तो वो अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम पूरा रिकॉर्ड देख पाएंगे कि उस डेट पे मेरा पास इतना रुपए था और मैं उसको डिपॉजिट करके आ गया बैंक में। दैट मींस क्या हुआ, मेरे से डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, वो जो पैसा था मेरे हाथ से अभी घट गया है, उस टाइम उस दिन मेरा पास से घट गया है, अभी कहाँ जाके मेरा बैंक अकाउंट में इफेक्ट उसका दिखा रहा है, मतलब बैंक अकाउंट में वो बढ़ चुका है। ठीक है, वो डबल एंट्री, वो सिस्टम को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। ठीक उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो उसका क्या होगा, अगर बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर देते हैं तब क्या SMS आता है, या फिर कहीं पे भी आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तब क्या SMS आता है कि आपका योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विद दैट अमाउंट, दैट मीन्स मेरा बैंक अकाउंट से डेबिट हो चुका है इतना इतना पैसा। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या है कि बैंक वहाँ पे एंट्री कर दे रहा है कि आपका बैंक अकाउंट से थोड़ा अमाउंट घट गया है, जितना भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया वो घट गया है, तो घटने के बाद वो कहाँ पे आ गया, आपका हाथ पे आ गया। दैट मीन्स आपके पास अभी पैसा ज़्यादा है और आपका बैंक बैलेंस में थोड़ा कम गया है। क्लियर, तो वही डबल एंट्री सिस्टम है, उस पर क्या होता है आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपका पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, वो आप यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं या फिर किस कारण कर रहे हैं, कौन सा रीज़न के लिए कर रहे हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन हो रहा है। जो आपने देखा था मैंने सिंगल एंट्री में समझाया, वहाँ पे ये मेंटेन नहीं होता है। तो डबल एंट्री कोई भी दुकानदार अगर मेंटेन करता है, वो कैश वाला भी लिखता है, क्रेडिट वाला भी लिखता है, तो उसको जाके अगर आप पूछोगे तो आपको डायरेक्टली स्टॉक बता सकता है, या फिर आज का डेट पे उसने कैश में कितना सेल किया, क्रेडिट में कितना सेल किया, सारा रिकॉर्ड आपको दिखा पाएगा। तो उस रिकॉर्ड को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,